मॉर्निंग स्टूडेंट, सो अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है और काफ़ी इजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो 100 टर्म है यूनिट और डायमेंशन में। लास्ट क्लास मैंने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में 40 टर्म बताया था, 40 टर्म का यूनिट और उसका डायमेंशन, और बहुत सारे टर्म तो उसमें 9th क्लास का था, 10th क्लास का यूज कर रहे थे हम लोग। सो यूनिट डायमेंशन थर्ड वीडियो है, फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है आप स्कूल में, चाहे नीट या IIT मेन में भी, एडवांस में कम आता है क्योंकि ये बड़ा आसान टॉपिक है। सो 11th 12th नीट IIT मेन एडवांस और लेक्चर 1 लेक्चर 2 जिसके अंदर 40 यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट करेंगे, 1 लेक्चर 3 लेक्चर 4। अभी तो मैं 10 और टर्म बताऊंगा, 50 तक हम लोग पहले कर लेते हैं, मिडिल तक पहुंच जाएंगे, फिर हम लोग कुछ देर के लिए ब्रेक लेंगे और हम लोग सीखेंगे कि इससे जो यूनिट डायमेंशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे एम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में कैसे क्वेश्चन आता है, या IIT मेन IIT एडवांस में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग 50 कंप्लीट करेंगे, ब्रेक, छोटा सा ब्रेक ले करके, देन हम लोग फिर 20 क्वेश्चन करेंगे और मैं आज आपको एक सीट दूंगा, लेक्चर 1 दूंगा आपको, जिसमें नियरली 60 या 65 क्वेश्चन होगा, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है, हो जाएगा उससे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आप 10 यूनिट और डायमेंशन, अभी 10 और करेंगे, 50 तक करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो छोटा छोटा टर्म है, तो मैंने आपको मैकेनिक्स में कर दिया था, आपको लास्ट तक इलास्टिसिटी हो गया। छोटे छोटे टर्म में आप एरिया ले लीजिए, बहुत छोटा छोटा टर्म एरिया, तो कोई भी प्लेट का एरिया आप जानते हैं, ये एरिया जो है वो अगर कोई भी स्क्वायर प्लेट हो या रेक्टेंगुलर प्लेट हो तो a into b, इस प्लेट का एरिया लेना हो तो a into b, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, सो एरिया, सो a into b यूनिट चाहिए, तो इसका यूनिट हो गया मीटर और दूसरा भी यूनिट हो गया मीटर, मीटर स्क्वायर, बहुत छोटा है, इतना छोटा 9th क्लास का हो गया मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन, मीटर का डायमेंशन l होता है, आप तो आप डायमेंशन लिखेंगे, मीटर होता है एल, तो एल का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या कई बुक में हो सकता है ऐसे लिखा रहेगा, m0 l2 t पे पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एनी नंबर पावर 0 1 हो जाता है, ये लिख लीजिए। एरिया के बाद वॉल्यूम लिख लीजिए, वॉल्यूम, अपने से बनाएंगे वॉल्यूम, नहीं अपने से कोई भी क्यूब ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं, वॉल्यूम बनाइए, यूनिट और डायमेंशन लिखिए, नहीं सो आप क्यूब भी बना सकते हैं, ये क्यूब आप बना लीजिए, क्यूब में डायमेंशन आप लिख लेंगे कि ये साइड है ए, ये भी साइड हुआ ए, और ये साइड है ए, ये हो गया ना। अगर वॉल्यूम आपको बनाना, वी फॉर वॉल्यूम, सो एनी शेप, कोई भी शेप रहेगा तो वॉल्यूम जो है, अगर मान ली क्यूबिकल ले रहा है तो ए क्यूब हुआ, और डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो आप कर लेंगे मीटर 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 क्यूब, तो यूनिट एंड डायमेंशन कर लेंगे। और डायमेंशन मीटर क्यूब का मतलब एल, एल क्यूब हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी कर लीजिए, डेंसिटी
तो फॉर्मूला सारा तो नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास का ही यूज कर रहे हैं, कुछ एलेवेंथ ट्वेल्थ में नए नए आएंगे, बट लास्ट क्लास भी नाइन्थ क्लास का बहुत सारा फॉर्मूला यूज हुआ था। तो 42 डेंसिटी सो डेंसिटी के लिए आप यूज करेंगे मास बाय वॉल्यूम, सो सॉल्व कर लीजिए डी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास आप जानते हैं, यूनिट चाहिए तो यूनिट आपको मास, मास का यूनिट जो हो गया वो किलोग्राम, और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, हो गया। डायमेंशन चाहिए तो ऊपर में एम नीचे में एल क्यूब, सो डायमेंशन। किलोग्राम का मतलब एम हो गया और एल क्यूब, एम एल पे पावर माइनस थ्री हो गया। तो ये यूनिट डायमेंशन। एक टर्म हम लोग डेंसिटी में पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो आता है फिजिक्स में भी क्वेश्चन बनाते हैं या केमिस्ट्री क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें लिखा रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका मीनिंग मैं समझा दे रहा हूँ। 43 स्पेसिफिक ग्रेविटी एसजी भी लोग लिखा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी डेंसिटी से ही रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल आर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डिफाइन करते हैं, कोई भी और सॉलिड हो लिक्विड हो किसी का भी डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे लिखते हैं कि एनी भी कोई भी लिक्विड हो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लीजिए लिक्विड ले रहे हैं हम लोग तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हुआ और डिवाइड बाय और डेंसिटी ऑफ वाटर, सो डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यह स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो बताइए ऊपर में ये जो ऊपर टर्म देख रहे हैं डेंसिटी है, नीचे भी क्या है डेंसिटी है, तो डेंसिटी डेंसिटी कट जाएगा और ये यूनिटलेस नंबर आएगा, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि डेंसिटी ऊपर में भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट यूनिट कैंसिल हो गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर। सो यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी से ही रिलेटेड, बट रेशियो होता है। ऐसे ही एक टर्म केमिस्ट्री में पढ़ना तो वेपर डेंसिटी, और वो भी देखने में लगेगा कि डेंसिटी है बट है नहीं, वो भी यूनिटलेस नंबर है, एक जैसे ही है। तो आप नोट कर लेंगे यहाँ पे वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी, इसको वीडी वेपर डेंसिटी बोलते हैं। सो वेपर डेंसिटी कैसे पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते हैं कि मान लीजिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है कि मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास वेट ऑफ गैस, मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस और डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये डिवाइड बाय नीचे करना मॉलिकुलर वेट वेट ऑफ हाइड्रोजन। सो ये भी देखिए रेशियो हुआ, ऊपर में मॉलिकुलर वेट नीचे में मॉलिकुलर वेट, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। तो देखने में लगेगा कि वेपर डेंसिटी, लगता है कि डेंसिटी है, नो डेंसिटी नहीं, रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मॉलिकुलर वेट का। सो ये भी एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर हो गया। मैथमेटिकल नंबर
जैसे कोई बोलता है कि बताइए वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस, जैसे मीथेन है, वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस के लिए वेपर डेंसिटी पढ़ना। सो वेपर डेंसिटी मॉलिकुलर वेट मीथेन, मीथेन का 16 और मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन, तो 16/2 8 हो गया। ओके, देखिए कोई यूनिट नहीं, कहीं यूनिट नहीं, क्योंकि ये मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस 16 और मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 होता है। देखिए नेक्स्ट 43, 44, नेक्स्ट आप कर लेंगे लीनियर मास डेंसिटी। कहीं आप साउंड पढ़ते हैं तो वहां जरूरत पड़ता है लीनियर मास डेंसिटी, लिखेंगे तो लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा पढ़ते हैं लीनियर मास डेंसिटी। मीनिंग मैं समझा दे रहा हूँ, लीनियर मास डेंसिटी मैं फॉर्मूला बस बता दूंगा कि देखिए ये लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये तो ये मैंने बस टर्म आपको बता दिया, बाकी आप यूनिट और डायमेंशन बना लीजिए। सो लीनियर मास डेंसिटी, सो लीनियर, लीनियर ऑब्जेक्ट मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर जो हो। कर लीजिए आप यूनिट बना लीजिए इसमें, यूनिट ऑफ लैम्डा। सो मास, मास में हो गया किलोग्राम और लेंथ हो गया पर मीटर, हो गया किलोग्राम पर मीटर। डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन में किलोग्राम एम हुआ, नीचे में एल हो गया, तो एम एल माइनस वन लिख लीजिए। सो किलोग्राम, किलोग्राम का डायमेंशन एम होता है जो आप पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास, और मीटर होता है एल होता है, और इस तरह आपका डायमेंशन हो गया एम एल माइनस वन, हो गया 45। 5 और करना है हम लोग को। सो लीनियर मास डेंसिटी की जगह पे आप 46 में सरफेस मास डेंसिटी लिख लेंगे। सो सरफेस मास डेंसिटी जो होता है सिग्मा, ऐसे। सो सरफेस, सरफेस में एरिया आ जाएगा, तो जैसे इसमें पढ़ते थे मास पर यूनिट लेंथ, तो वहां लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया, लिख लीजिए। सो मास पर यूनिट एरिया, बाकी आप सॉल्व करेंगे। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन कर लीजिए। किलोग्राम का मतलब हुआ एम एल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो एम एल माइनस टू हो गया। तो ये है लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, और वॉल्यूम मास डेंसिटी भी आता है, तो वो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि अभी आप पढ़े थे डेंसिटी 46। कोलिजन टॉपिक में एक पढ़ना होता था रेस्टिट्यूशन या कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये 9th 10th में नहीं था, यहाँ 12 में पढ़ना आपको, 11th 12th में। सो कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई रेस्टिट्यूशन या कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये
मैं टर्म बता देता हूँ, बट आप समझ लीजिएगा उसके बाद। देखिए ये जैसे फ्लोर है, हार्ड फ्लोर है, ये अर्थ हो, कोई बॉल, कोई भी बॉल ऐसे ड्रॉप करना है आपको। मान लीजिए ये बॉल आया और ये जस्ट कोलिजन स्पीड इसका यू है और यहां से बाउंस किया और बाउंस करके बॉल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और जाने वाला स्पीड वी है। सो ऐसे जो आया और ऐसे रिबाउंड किया ऊपर की तरफ, स्पीड किया वी से, वी स्पीड से गया, ठीक है। सो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन बोलते हैं कि नाउ वी आर डिवाइड बाई यू। सो स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन स्पीड जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है वो सेपरेशन हुआ, अर्थ से दूर जा रहा है, और यह है स्पीड ऑफ अप्रोच, आ रहा है, आने का स्पीड हो गया अप्रोच, और जाने का सेपरेशन, दूर जा रहा है आपको। तो ये है रेस्टिट्यूशन। सो आप लिख सकते हैं ऊपर में स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ अप्रोच, ये रेस्टिट्यूशन के लिए। सो आप देख लेंगे ये यूनिटलेस नंबर है, कोई यूनिट नहीं आएगा। देखिए चेक करिए, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, कैंसिल हो गया। तो रेस्टिट्यूशन जो है वो एक यूनिटलेस नंबर है, यूनिटलेस होगा तो डायमेंशनलेस भी होगा नंबर। नेक्स्ट, आपको जब फ्रूट पढ़ेंगे उसमें ग्रेडियंट टर्म आता है, ग्रेडियंट, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। So, उसका मीनिंग मैं समझाता हूं, उसके भी यूनिट जानना आपको। जैसे आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये लिखा रहता हूं, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ग्रेडियंट एक मैथमेटिकल टर्म है, वो स्लोप होता है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी स्लोप। वेलोसिटी स्लोप का जो मीनिंग है वो होता है डी वी और बाय डी एक्स, एक्स नीचे लिखना है, एक्स एक्स इज अ डिस्टेंस और ऊपर में वेलोसिटी है, तो एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म, बट आप चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्टेंस, वेलोसिटी ऊपर में नीचे में डिस्टेंस है, बाकी आप यूनिट कर सकते हैं। आप ऊपर में है वेलोसिटी, एक्चुअली सही लिखना होगा तो चेंज इन वेलोसिटी, डायमेंशन के लिए तो वेलोसिटी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए चेंज इन वेलोसिटी। बाय चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस, ये ऐसे नोट करना है, और डीवी बाय डीएक्स, और आप यूनिट बनाना है, डायमेंशन करना है। आप ऊपर में वेलोसिटी भी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट बनाने में आपको वेलोसिटी का भी हेल्प ले सकते हैं। नीचे में लिखना है डिस्टेंस, बाकी अब यूनिट और डायमेंशन बनाइए उसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट कंप्लीट करिए, नहीं यूनिट डायमेंशन अपने से बनाइए। सो आपने बनाया वेलोसिटी, सो यूनिट, सो वेलोसिटी का यूनिट आप करेंगे मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हुआ मीटर। तो ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो ये तो सेकेंड इनवर्स हो गया, तो यूनिट इसका सेकेंड इनवर्स आया, और डायमेंशन चाहिए।
सेकेंड इनवर्स का मतलब टाइम इनवर्स। इसी में आप बेल्टी की जगह प्रेशर ग्रेडियंट कर सकते हैं। अपने से बनाइए तो अपने से कंप्लीट करिए, प्रेशर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट कर लीजिए। या प्रेशर स्लोप डी पी बाई डी एक्स, प्रेशर चेंज इन प्रेशर, नीचे में डिस्टेंस ही रहेगा। ऊपर में प्रेशर कर सकते हैं, नीचे में डिस्टेंस बनी यूनिट और डायमेंशन। कंप्लीट करिए, अपने से बनाइए तो उसका यूनिट और डायमेंशन बनी, कंप्लीट करिए उसको। प्रेशर पढ़े हुए हैं आप, सो आपने बनाया प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय डिस्टेंस। आप जानते हैं प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये ऐसे छोटा सा। तो प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहां आप लिखेंगे न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, और नीचे में हो गया सेकंड, लीजिए यूनिट हो गया। अच्छा, अब डायमेंशन चाहिए आपको, डायमेंशन न्यूटन, न्यूटन और जूल सबसे ज्यादा यूज होने वाले डायमेंशन है, MLT-2, ये न्यूटन। सो अब आप पुट कर लेंगे, न्यूटन का मतलब हुआ MLT-2, नौ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर, और सेकंड, सेकंड का मतलब टी हो गया। सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो यहां आपको बन गया ML-1 T-3, सो एल एल कट गया, ML-1 T-3। ओके, सो एक और कर लेते हैं, इसमें प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट कर लीजिए। वो टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आपको हीट के अंदर पढ़ना होता है, तो नेक्स्ट 50। सो टेम्परेचर स्लोप डीटी बाय डीएक्स चेंज इन टेम्परेचर बाय डिस्टेंस, मेथड एक जैसा ही, आप टेम्परेचर कर सकते हैं। और टेम्परेचर का यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट हो गया, टेम्परेचर तो केल्विन होता है ना, फंडामेंटल यूनिट, और डिस्टेंस भी फंडामेंटल में आ जाएगा, तो केल्विन पर मीटर। फॉर केल्विन मीटर इनवर्स, सो केल्विन का डायमेंशन के होता है, या आप थीटा से भी लिख सकते हैं, के भी लिखा जाता है केल्विन में, और थीटा भी यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहां पे। मीटर इनवर्स का मतलब L-1, के भी यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं L इनवर्स, और यहां थीटा यूज कर सकते हैं, थीटा भी टेम्परेचर का डायमेंशन में आता है। तो ये हुआ हम लोग का 50, आधा हो गया, डायमेंशन जो 100 पढ़ना होता है उसमें हाफ हो गया। डायमेंशन कभी रटना नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मूला को पहचानिए, फॉर्मूला जैसे प्रेशर है तो फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यंग मॉडुलस है तो उसके फॉर्मूला को पहचानिए, अपने आप डायमेंशन तो अपने से बनेगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन, और सारे आए हुए, सब क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, 20 क्वेश्चन का अब हम लोग प्लान करेंगे। और क्वेश्चन बनाने का तरीका कि अभी मैं एक स्लाइड प्रेजेंट करूंगा आपके लिए, ठीक है, एक स्लाइड आएगा, ठीक है, 10 सेकंड के लिए आपके सामने आएगा एक स्लाइड, वो होगा नीट का क्वेश्चन, ठीक है, स्लाइड को आप स्टॉप कर लेंगे, ठीक है, और गिवन क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है गिवन, वो एक प्लानिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद खुद सॉल्व करना है, कोशिश करना है,
फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं हेल्प करूंगा आपको, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से आपको रोक के स्लाइड खुद बनाना है, रिचेक करना है, मैं भी बनाऊंगा आपके साथ, फिर रिचेक करेंगे हम लोग। सो अब प्रैक्टिस, आधा हुआ है यूनिट डायमेंशन में, आधा मैंने किया है, 50 कर दिया, 50 तक आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन के लिए आपको टाइम रहेगा, 50 तक प्रैक्टिस कर लेना है, और इस 50 के हेल्प से आपको अभी 20 क्वेश्चन बनाना है, वो क्वेश्चन एक नीट का, एम्स का, मेन का, आईटी एडवांस का, ऐसे रोटेशन करते रहेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक स्लाइड आपके लिए बनाया था, और मेडिकल क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान से मैंने क्वेश्चन लिया है, और क्वेश्चन ये था, फोर्स, स्पीड एंड टाइम, ये तीनों को बोला गया है टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, ये तीनों को फंडामेंटल यूनिट लेना। देन डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन इनमें से क्या हुआ, ये स्कूल में भी आता है, ये क्वेश्चन आपके स्कूल के लिए भी रहेगा, जो आपका 11th क्लास का एग्जाम होगा उसमें भी आता है, ठीक है। अब वहाँ स्कूल में है कि 5 मिनट टाइम मिलता है, और कंपटीशन में है कि 5 मिनट नहीं, आपको 40 सेकेंड में आपको बन जाता है। पहले मैं स्कूल का मेथड सिखाता हूँ, स्लो स्लो कोशिश करेंगे आप उसी स्पीड में, आप 5 मिनट के जगह आप 40 सेकेंड 50 सेकेंड में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्कूल का मेथड, ठीक है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है, आना ही है, यूनिट डायमेंशन से आपके स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, तो फोर्स, स्पीड, टाइम, दे आर टेकन एज द फंडामेंटल, देन डायमेंशन ऑफ मास। तो स्कूल में बनाने का तरीका क्या है, लेट मान लीजिए कि मास को जो है वो मैं ऐसे बना लूं, फोर्स पे पावर एक्स, वेलोसिटी पावर वाई, और टाइम पे पावर जेड, मान लीजिए ऐसे लिख दूं, इस तरह से मैं लिख दूं, फोर्स, वेलोसिटी और टी, और अब दोनों साइड मुझे डायमेंशनल एनालिसिस करना है, दोनों साइड मुझे डायमेंशन रखना है, ठीक है। नाउ डायमेंशन दोनों साइड, ठीक है, सो डायमेंशन हमें यूज करना है ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो देखिए डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर मास है तो मास का डायमेंशन एम होता है, ठीक है। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हुआ एम एल टी माइनस टू, जो कई बार लिख चुके हैं, इस पर पावर एक्स करेंगे। वेलोसिटी डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, इस पर पावर वाई कर देंगे। टाइम का डायमेंशन टी होगा, इस पर पावर आप जेड करेंगे। दोनों साइड डायमेंशन लिखना है एकदम स्लो स्लो, मान के चलिए स्कूल के लिए है, 5 मिनट टाइम लगेगा, एकदम धीरे धीरे बनाना है आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए ये। नेक्स्ट यहाँ m छोड़ देंगे, अब सबको ये पावर जो है वो सब जगह स्प्लिट कर लेंगे, ये x इसके ऊपर आएगा m पे पावर x, x इसके ऊपर भी आ जाएगा l पे पावर x, x इसके ऊपर भी आएगा t पे पावर माइनस टू एक्स, यहाँ पे l, l पे पावर y, t पे पावर माइनस वाई, और t पे पावर यहाँ z, ऐसा कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ m कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ m, m एक ही जगह है, m एक जगह है, तो m यहाँ पे x कर लेंगे, और तो m कहीं है नहीं, छोड़ देंगे। l, l जो है वो x यहाँ पे है, एक l यहाँ पे है, तो आप ऊपर पावर जुट जाता है x प्लस वाई, l जो है ऊपर x है, इसके ऊपर y है, तो x प्लस वाई। नेक्स्ट t यहाँ पे है माइनस टू एक्स है, और माइनस वाई है, और प्लस z, ऐसे कर लेंगे, लिख लिया आपने। नेक्स्ट इधर देखेंगे, इधर m, m 1 है तो इसको बोल सकते हैं पावर 1, l है ही नहीं, l इधर है ही नहीं, तो l पे पावर 0, t है ही नहीं तो t पे पावर 0। इधर देखेंगे तो m पे पावर x हुआ, और l पे पावर क्या हुआ, x प्लस वाई हुआ, और यहाँ t पे पावर हुआ z, z है माइनस टू एक्स और माइनस वाई,
दोनों साइड कंपेयर करना, ये स्कूल का मेथड। स्कूल में ऐसे ही स्लो 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 स्लो, कंपटीशन में इतना स्लो नहीं चलेगा। अभी आप नए हैं, धीरे धीरे पढ़िए, सीखते रहिए, बट स्पीड बढ़ा लीजिएगा। फिर अपना स्पीड इसको जस्ट है 40 सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब कंपेयर करिए, लेफ्ट साइड राइट साइड के पावर को कंपेयर करिए। लेफ्ट साइड राइट साइड पावर कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एम पे पावर लेफ्ट साइड वन, इधर है एक्स, एक्स मस्ट बी इक्वल टू वन। आया एक्स प्लस वाई, यहां देखेंगे जीरो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई और यहां एल पे पावर जीरो। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर वन रखेंगे, एक्स का वैल्यू वन रखेंगे वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन। हो गया, नेक्स्ट। फिर से यहां कंपेयर करेंगे, यहां टी पे पावर जीरो है तो यहां लिखेंगे जेड माइनस टू एक्स माइनस वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जेड माइनस टू इंटू वन माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वन रखेंगे इक्वल टू जीरो, सो जेड माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको राइट साइड कर लेंगे, टू माइनस वन कर लीजिएगा, सो जेड मस्ट बी इक्वल टू वन। और जब आप तीनों एक्स वाई जेड मिल गया आपको, तो यहाँ पे आप अपना फंक्शन बना लेंगे कि क्या लिखा हुआ था, मास इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स पे पावर एक्स, फोर्स पे पावर वन, वेलोसिटी पे पावर माइनस वन, और क्या है टाइम, टाइम पे पावर है वन। चेक कर लेंगे, वन माइनस वन वन, वन माइनस वन वन, आंसर है डी। ये फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिट और डायमेंशन, आपके फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, सबसे आसान नीट का। ये स्कूल में भी आता है और आपको डायमेंशन एकदम फिंगर पे, वन टू थ्री ऐसे फिंगर टिप्स पे रखना है, याद नहीं करना है। ये तो बहुत छोटे छोटे डायमेंशन है, मास हुआ, फोर्स है, स्पीड है, टाइम, ये सब तो आसान से डायमेंशन है। ये है मेथड, ऐसे अभी आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एम्स का दूंगा मैं आप, ठीक है, बस मुझे क्वेश्चन दिखाना होता है, आपको बताना होता है कि देखिए एम्स लोग डरता है कि बहुत टफ होता है, कुछ नहीं होता है, टफ नहीं होता, आपको पढ़ना है फास्ट स्पीड में पढ़ना है, स्लो नहीं। स्लो स्पीड से आप कंपटीशन फेस नहीं कर पाइएगा, बस आप बोर्ड पास हो जाइएगा। कंपटीशन के लिए तो स्पीड चाहिए, और स्पीड आता है प्रैक्टिस से। आपको जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, उसको खूब बनाइएगा। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर फिर भी हम अगर कितना भी कोशिश करेंगे फिर भी एक मिनट में नहीं आता है, जबकि मेडिकल क्वेश्चन है तो एक ही मिनट में करना होता है। तो कई मेथड होते हैं, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत तेज हो जाएंगे। जैसे हम लोग गए आईटी के अंदर, तो हम लोग ब्रेन उस समय बहुत तेज था, बहुत तेज, आप इन सब क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते नहीं था, ऐसे वन टू थ्री सेकेंड में खत्म हो जाता था। ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिस से होता है, वो आप ही कर लीजिएगा। जैसे मुझे आ गया क्वेश्चन, बोला गया क्या और मास चाहिए, मास चाहिए और ये एसएस टर्म है, तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, ये तो सिखाने के लिए आपको, मेरे पास कुछ सेकंड है तो मैं तो ऐसे सेट कर लूँगा, रिलेट कर लूँगा। जैसे ऑप्शन ए को चेक करूँगा, ऑप्शन ए को चेक करूँगा कि ओ ऑप्शन ए क्या है, तो ऑप्शन ए है फोर्स है, ऊपर में वेलोसिटी है, टाइम है, तो फोर्स का मतलब मैं जानता हूँ एम एल टी माइनस टू होता है, और वेलोसिटी होता है ये एल टी माइनस वन होता है, और नीचे में टी होता है, तो हम मुझे क्या चाहिए था, मास चाहिए था, तो यहाँ एल कट ही नहीं रहा है, यहाँ एल और एल ऊपर में रह गया, एल और एल कट ही नहीं रहा है, हमें सिर्फ मास चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। तो मैं हिट एंड ट्रायल फट 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 एक सेकंड दो सेकंड मैं ऐसे करते रहूँगा, लास्ट में जाऊँगा, लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए ऊपर में एफ है, नीचे में टी है, नीचे में ऊपर में एफ है, ऊपर में टी है, नीचे में वी है, तो फोर्स, फोर्स का मतलब हुआ एम एल टी माइनस टू, नीचे में यहाँ टी कर लूँगा, ऊपर में टी, और ये है L और T माइनस वन। देखिए L यहाँ कैंसिल, L कैंसिल, ये ऊपर गया, ये कैंसिल, सिर्फ बच गया M, M हो गया, जस्ट आंसर करके चलाऊंगा। सो स्कूल के लिए, बोर्ड के लिए तो एकदम पैटर्न में जाना है, कंपटीशन के लिए तो वो आपका ट्रिक काम करेगा, जैसे आप बना लें। जैसे मुझे दिख रहा है, मुझे तो उस सब करने में टाइम लग जाएगा, मैं फट से इधर कर लूँगा, ट्रायल कर लूँगा कि कौन कौन सा चांसेस है, एक ट्रायल करूँगा इसमें गड़बड़ है पता चल जाएगा, दूसरा तीसरा अंदाज से लग जाता है, बहुत चीज पढ़ते रहेंगे तो ये आपको डायरेक्ट दिखेगा कि आंसर डी।
हो गया। सो कंपटीशन के लोग थोड़ा स्पीड में बनाते हैं और ट्रायल करते हैं, फंडामेंटल मेथड चाहिए तो ऐसे बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन मैं यहां प्रेजेंट करूंगा। अब आप सीख चुके हैं, स्टॉप करेंगे वीडियो को, आप स्टॉप करेंगे, रोकेंगे, गिवन डाटा जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे एंड देन आप अपना प्लानिंग ऐसे ही बनाएंगे। कोशिश करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है तो 1 मिनट नहीं बनेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कोशिश करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने एम्स से लिया है और एम्स में आया हुआ क्वेश्चन और बड़ा बड़ा ऑप्शन था तो मैंने ऑप्शन छोड़ दिया। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ टाइम। ये कई एग्जाम में आया हुआ, ये एम्स का क्वेश्चन है बट आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें अगर टाइम चाहिए तो इनका पहले डायमेंशन क्लियर करना है कि पहले इन लोग का डायमेंशन क्या है, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। स्पीड तो पता है, स्पीड पता है, स्पीड इज इक्वल टू जो होता है वो है एल और टी माइनस वन, स्पीड तो जानते हैं हम लोग, एल टी माइनस वन, ठीक है। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट नहीं याद है मुझे, मैं भूल गया, तो मैं बना लूंगा, तुरंत बना लूंगा, नाइन्थ क्लास में जाऊंगा और नाइन्थ क्लास में फोर्स इज इक्वल टू जानता हूं मैं कि जी एम और एम बाई आर स्क्वायर हुआ और इस तरह जी ऐसे बाहर निकालेंगे तो एफ और आर स्क्वायर और डिवाइड बाई एम और एम, ये हो गया। और डायमेंशन चाहिए तो फोर्स एम एल टी माइनस टू और आर डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर और मास है तो एम हुआ और मास एम हुआ, ऐसे ऐसे कट कर दूंगा और डायमेंशन लिख लूंगा कुछ सेकंड में। अगर कोई भूल जाते हैं, जैसे मुझे एकदम नहीं याद है, और साइंस में याद भी तो नहीं किया जाता है, मैंने मना तो किया था कि आप डायमेंशन नहीं याद कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे रट सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ ये नाइन्थ क्लास के रिजल्ट से समझ हम लोग सकते हैं कि हाँ डायमेंशन जब जरूरत होगा फट से निकाल देंगे। एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, सो एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू चेक करेंगे आप, हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट मुझे ये भी नहीं पता है, मैं तो भूल गया, बट केमिस्ट्री में रदरफोर्ड मॉडल लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे, हम लोग पढ़े थे कि रदरफोर्ड के डिफेक्ट में एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच म्यू, ये हम लोग पढ़े हुए थे। मतलब आपको चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट हुआ आपका एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, और वन बाई फ्रीक्वेंसी नाइन्थ क्लास में पढ़े थे टाइम पीरियड, सो ये है एनर्जी और इनटू टाइम पीरियड। एनर्जी का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, ये तो स्टैंडर्ड डायमेंशन है और ये टाइम का डायमेंशन टी हो गया। सो हम लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है, साइंस के जो रिजल्ट हैं जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं या फिजिक्स में यूज करते हैं या मैं जो आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। एनर्जी एच म्यू म्यू द फ्रीक्वेंसी, सो वन बाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, सो आप अब यूज करेंगे तो यहां एम एल टू टी माइनस वन, तो ये है एम एल टू और टी माइनस वन, ये चीजें एकदम पहले आपको क्लियर रहना चाहिए। सो यूनिट डायमेंशन बनाने के लिए जिसको आप फंडामेंटल ले रहे हैं, इनको फंडामेंटल ले रहे हैं तो इनका डायमेंशन पता रहना चाहिए, रटना नहीं है आपको। हमेशा बोलते हैं कि या तो आप नाइन्थ क्लास का हेल्प लेंगे या टेंथ क्लास का हेल्प लेंगे या जो भी मैं एलेवेंथ में केमिस्ट्री फिजिक्स में कहीं ना कहीं बताते रहता हूँ उसका हेल्प लेना। चलिए नेक्स्ट, बाकी ये मुझे सिखाना है आपको, स्लो स्लो मैं बताऊंगा आपको। सो स्लो मेथड का तरीका यही है कि लेट आप ऐसे मान ले, लेट इधर है टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू सी पे पावर एक्स, जी पे पावर वाई और एच पे पावर जेड, हो गई, पुट कर लीजिए। इधर डायमेंशन टाइम का डायमेंशन टी हो गया, सी का मतलब हुआ एल टी माइनस वन, ऊपर डायमेंशन एक्स हो गया, जी जी का मतलब हुआ एम माइनस वन,
एल थ्री और टी माइनस टू पावर वाई हो गया, एच एम एल टू और टी माइनस वन इस पे पावर हो गया जेड हो गया। बाकी आप रिलेट करेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे। अब आप बताएंगे थोड़ा तेज करेंगे, एक स्टेप जंप करें हम लोग। यस चलिए एम यहाँ पे देखेंगे, एम एम पे पावर ये वाई इसके पास जाएगा तो माइनस वाई, और यहाँ पे है एम पे पावर क्या है आपका जेड तो प्लस जेड कर लेंगे। एल यहाँ एल आएंगे तो एल पे पावर हो गया एक्स, यहाँ से एल आएंगे तो एल पावर थ्री वाई, यहाँ से एल करेंगे तो प्लस टू जेड हो गया। एम हो गया एल, एल पे पावर एक्स, यहाँ से एल पे पावर थ्री वाई, यहाँ एल पे पावर टू जेड। नेक्स्ट टी माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेट करेंगे। नाउ इधर सिर्फ टी है, इधर एम पे पावर जीरो हो जाएगा, एल पे पावर जीरो हो गया और सिर्फ टी है। ठीक है, तो आप रिलेट करेंगे। इसको हाफ मैं हटा दे रहा हूं। सो इस टर्म को आप ऐसे भी, सिर्फ टी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एम पे पावर जीरो, एल पे पावर जीरो, टी पे पावर वन, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बाकी आप लेफ्ट साइड राइट साइड कंपेयर करिए, एक्स खोजिए, वाई खोजिए, जेड खोजिए, थ्री इक्वेशन है, थ्री अननोन है, बन जाएगा। सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करेंगे जेड माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जेड इक्वल टू वाई ऐसे। नेक्स्ट इसको रिलेट करेंगे जीरो, तो एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड मस्ट बी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। और जेड इक्वल टू क्या है, आपने आपने बोला है जेड इज इक्वल टू वाई, तो यहां पे रिप्लेस कर लेंगे एक्स थ्री वाई और प्लस टू वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो एक्स प्लस फाइव वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट में जोड़ी ये वन है टी पे पावर वन, और वहां आ गया माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू वन। अब यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन, सो जेड जेड इक्वल टू वाई रखेंगे, सो एक्स प्लस टू वाई प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन, सो एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इससे एक्स निकालेंगे वाई निकालेंगे इसमें पुट कर लेंगे आपका आ जाएगा। सॉल्व करिए, सो एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू है जीरो और एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन, तो आप घटा दीजिए। मान लीजिए अगर आप इसको इक्वेशन नंबर वन कह रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू कह रहे हैं, तो वन माइनस टू कर देंगे। जैसे ही वन माइनस टू करेंगे एक्स एक्स कट जाएगा और यहाँ पे टू वाई इज इक्वल टू वन, तो वाई का वैल्यू वन बाई टू, ये हो गया वाई का वैल्यू। ठीक है, अगर वाई वन बाई टू है तो श्योर जेड जेड का वैल्यू भी वाई वन बाई टू हो जाएगा। दो आंसर मिला और अब आप पुट कर लेंगे, किसी में पुट कर लीजिए, किसी में आप पुट कर लेंगे वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू पुट कर लेंगे वन बाई टू, तो फाइव बाई टू, एक्स प्लस फाइव बाई टू इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। और जब ये तीनों टर्म मिल जाएगा, अब आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं और आंसर लिखेंगे जो टाइम चाहिए था वो इक्वल टू सी पे पावर एक्स, सी सी पे पावर माइनस फाइव बाई टू इंटू जी पे पावर वाई, जी पे पावर वन बाई टू इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट पे पावर वन बाई टू लीजिए। ये है आंसर, उसमें जो ऑप्शन में मिलेगा उसको टिक करना है और कोशिश करना है वन मिनट के अंदर इसको बनाने के लिए। सो ये था एम्स का क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है, आईटी में, मेन में, एडवांस में, नीट के लिए और एम्स के लिए।
अब मैं आपको एक आईटी मेन का क्वेश्चन दूंगा। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आईटी मेन का 2019 का और हर साल आता ही है, मेडिकल में भी आएगा, एम्स में भी। एम्स तो अब कंबाइंड ही हो गया है, नीट के साथ ही कंबाइंड हो गया है, तो लास्ट ईयर तक हमेशा क्वेश्चन आता था। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन और भी बनाने के तरीके हैं, और भी मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, बट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है। तो इस साल का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कि सर्फेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम का हमें डायमेंशन चाहिए था इनके रिस्पेक्ट में। सबका डायमेंशन पता रहना चाहिए, सबका डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन, तब ना हम लोग इक्वेट करेंगे। देखिए डायमेंशन नहीं याद कर सकते, बट सरफेस टेंशन आप याद कर सकते हैं। मैंने बताया था सरफेस टेंशन, साइंस में सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और फोर्स पर यूनिट अगर लेंथ आप जानते हैं तो ये तो मन में बना लेंगे तुरंत। फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, और लेंथ होता है एल, और एल और एल कैंसिल हो गया, और ये हो गया एम और टी माइनस टू। चलिए ये डायमेंशन पता रहना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्सिया मैंने आपको समझाया था, क्योंकि जितने मैकेनिक्स का है वो सब मैं करा चुका हूँ, आपको 50 के अंदर सारा आ चुका है ये सब। सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर ये रोटेट करेगा और एक ब्लॉक है और वो रोटेशन हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है एम आर स्क्वायर। बस फॉर्मूला पता रहना चाहिए, मास हो गया एम और आर का मतलब डिस्टेंस एम एल टू, सो ये हुआ एम और एल टू। ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट अभी किए थे, अभी हम लोग कंप्लीट किए थे, बट मैं भूल गया, नहीं याद है मुझे, कोई बात नहीं तुरंत बना लेंगे। हम लोग केमिस्ट्री का हेल्प ले लेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 होता है, और इसके बगल में लिखा जाता है जूल इंटू सेकेंड, इसके बगल में जो टर्म है जूल इंटू सेकेंड। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी लास्ट क्लास भी आप पढ़े थे, केमिस्ट्री क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी प्लैंक्स कांस्टेंट आए थे, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड में भी प्लैंक्स कांस्टेंट आए थे। सो यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, या एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, जैसे आप बना सकते हैं। अच्छा जूल, जूल का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू, और सेकेंड, सेकेंड का डायमेंशन होता है टी, तो एम एल टू टी माइनस वन। नेक्स्ट यह है एम एल टू टी माइनस वन, कोई याद नहीं करना है आपको, प्लानिंग समझना है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो होता है कोई भी ब्लॉक नाइन्थ क्लास मूव करेगा, तो मूव करता है तो उसके पास स्पीड आ गया, सो लीनियर मोमेंटम और मास इनटू स्पीड। सो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आप जानते हैं कि ये हो गया एम एल टी माइनस वन, हो गया। ये जरूरी है, आपको डायमेंशन एकदम जरूरी है कि पता रहना चाहिए, और उसके लिए रटना नहीं है। मैं 100 डायमेंशन कराऊंगा, 50 मैंने करा दिया है, बट कहीं मैंने बोला नहीं कि याद करिए, आप साइंस के रिजल्ट को फॉलो करिए। ये रिजल्ट ये है, रिजल्ट आपको पता रहेगा तो ये आगे भी जरूरत पड़ेगा। ये रिजल्ट ये है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये, और लीनियर मोमेंटम ऐसा, ये चाहिए आपको, और सब कुछ एक मिनट के अंदर चाहिए। और लोग कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा, जब आप खूब पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो सब फिंगर पे आ जाएगा। अब मैं उधर मिटा दूं, चलिए मैं मिटा रहा हूं इधर, और जो साइंस का रूल है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हमें रिलेट करना है, तो लेट लीनियर मोमेंटम यहां पे ले लेंगे सरफेस टेंशन पे पावर एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पावर वाई, प्लैंक्स कांस्टेंट पे पावर जेड। बाकी अब लेफ्ट साइड डायमेंशन, राइट साइड डायमेंशन पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड हुआ एम एल टी माइनस वन, ये हुआ आपका एम और टी माइनस टू पावर एक्स, एम एल टू पावर वाई, एच एम एल टू टी माइनस वन पे पावर जेड। बाकी इसके आगे मैथमेटिकल पार्ट है, आप फास्ट करेंगे, खूब तेज करेंगे।
सो यहाँ देख रहे हैं एम पे पावर 1 हुआ, एल पे पावर 1 हुआ, टी पे पावर माइनस 1। इधर देखेंगे तो एम यहाँ पे भी है, तो एक्स हुआ, एम यहाँ पे भी है, प्लस वाई हुआ, प्लस जेड हुआ। एल एल पे पावर यहाँ देखेंगे इसमें नहीं है, इसमें हुआ 2y, 2 है यहाँ पे, स्क्वायर है 2y और प्लस 2z। और टाइम टाइम देखेंगे यहाँ पे माइनस 2x और माइनस जेड। ओके, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x प्लस y प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन मिला यहाँ पे, सो 2y प्लस 2z, 2y प्लस 2z मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ से मतलब y प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई 2। सो y प्लस जेड, ये y प्लस जेड यहाँ पुट करेंगे, पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से, इसके इक्वेशन से हेल्प मिल जाएगा x, और y प्लस जेड के जगह 1 बाई 2 पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 हो गया। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट यहाँ से आप डिलीट करेंगे, यहाँ पे आपका माइनस 1 है, तो यहाँ आपको माइनस 2x माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस यहाँ हुआ 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो 2x प्लस जेड इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू 1 बाई 2, सो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस जेड इक्वल टू 1, यहाँ 1 प्लस जेड इक्वल टू 1 कैंसिल हो गया, जेड का वैल्यू 0। और जैसे जेड का वैल्यू 0 करेंगे, जेड का वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे 0, ये जेड का वैल्यू 0, वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2। x का वैल्यू 1 बाई 2 आ चुका है पहले से, तो अब मैं पुट कर ले रहा हूं और मैं ऑप्शन देख लेता हूं कि कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सो यहां पे नेक्स्ट, सो इस तरह मोमेंटम ले रहा, मोमेंटम सरफेस टेंशन पावर x, x का मतलब 1 बाई 2, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पावर y, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पावर y, y का मतलब 1 बाई 2, और नाउ h पे पावर z, z का मतलब 0। सो मैं चेक कर लेता हूँ, सो लीनियर मोमेंटम के लिए ये रिजल्ट है, s पे पावर 1 बाई 2, s पे पावर 1 बाई 2, i पे पावर 1 बाई 2, आंसर c है, सो आंसर c करेक्ट। तो आप चेक कर लेंगे कि ये मेथड है और एक मिनट का टाइम है, तो आज मैं होमवर्क आपको दूंगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। सो और क्वेश्चन नेक्स्ट, आईटी एडवांस मेथड वही है कि आप जैसे ही स्लाइड आएगा स्टॉप करेंगे, खुद सोचेंगे, गिवन लिखेंगे एंड प्लानिंग करेंगे। सो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो एडवांस में क्वेश्चन मैंने अभी स्लाइड प्रेजेंट किया था और स्टेटमेंट आपको रीडिंग करना था। गिवन है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है रेलवे इंजन जो फॉग में चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड ऑन द डेंसिटी, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के बगल में लिखा हुआ इंटेंसिटी इज कॉल्ड द पावर बाय एरिया, और डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, और लिखा हुआ है डिस्टेंस डिपेंड ऑन रो डेंसिटी, नाउ एस इंटेंसिटी और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और रिलेशन लिखा हुआ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एस पे पावर 1 बाई एन। मुझे एन वो मैथमेटिकल नंबर चाहिए था, वो एन जो नंबर है वो क्या है। सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले डायमेंशन चाहिए, सबका डायमेंशन चाहिए, सबका डायमेंशन डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस के लिए डायमेंशन यूज करेंगे एल, ठीक है। अरे डेंसिटी आप जानते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी यूज करते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो मास
और बाई वॉल्यूम ये, तो इसका डायमेंशन भी पता है आपको कि मास हो गया m और वॉल्यूम होगा l क्यूब, और l क्यूब ऊपर जाएगा तो ये हो गया m l माइनस 3। फ्रीक्वेंसी भी पता है, फ्रीक्वेंसी जो साइंस में होता है वो होता है 1/ टाइम पीरियड, तो ये ऊपर जाएगा t, तो t इनवर्स हो गया। अब इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी दे दिया है पेपर में, इंटेंसिटी जो लिखा हुआ है ऐसे पावर और बाई एरिया, पावर बाय एरिया, तो कल हम लोग पढ़े होते हैं पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, सो वर्क डन, या एफ फोर्स इनटू वेलोसिटी और बाय एरिया, सो एफ जो है वो फोर्स हुआ और पावर का मतलब एफ डॉट वी था तो स्पीड हुआ, और इनटू एरिया। बाकी अब डायमेंशन लिख लेंगे पहले, सो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, स्पीड स्पीड होता है एल टी माइनस वन, एरिया एरिया का मतलब एल स्क्वायर, तो ऊपर में एल स्क्वायर नीचे भी एल स्क्वायर कट जाएगा और बच गया ये एम टी माइनस टू माइनस थ्री, एम और टी हुआ टी माइनस थ्री हो गया। तो सबसे पहले डायमेंशन, सबका डायमेंशन एकदम जरूरी है, इसके सामने सब लोग का डायमेंशन लिखना जरूरी है, एम टी माइनस थ्री हो गया डायमेंशन आपका, ठीक है। ये पहले डायमेंशन सबका लिख लीजिए, जो जो टर्म है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो टर्म, और जिसको कैलकुलेट करना वो भी लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ कि डिस्टेंस डिपेंड ऑन द रो एस और एफ, तो फंक्शन बनाएंगे, लेट फंक्शन आप बना लीजिए कि लेट डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड ऑन, डिस्टेंस जो डिपेंड करता है रो एस और एफ, रो पावर एक्स, एस पावर वाई, फ्रीक्वेंसी पावर जेड, ऐसे, ठीक। नेक्स्ट, अब इसको हटा लीजिए, बाकी रिलेट करिए, सारा क्वेश्चन बनाने का तरीका वही है जैसे एम्स है, आईटी मेन एडवांस पीएमटी सब एक ही तरीके से बनेगा। बाकी आप सॉल्व करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन पुट करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हुआ एल, ये डेंसिटी एम एल माइनस थ्री एक्स हुआ, एस एस इंटेंसिटी एम टी माइनस थ्री वाई, फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन पावर जेड, रिलेट करिए, इस साइड एम कुछ है नहीं तो एम जीरो लिख लेंगे, एल पे पावर वन है यहाँ पे टी जीरो करेंगे, राइट साइड करेंगे एम, एम पे पावर एक्स प्लस वाई, एल एल पे पावर माइनस थ्री एक्स, और तो कुछ नहीं है, टी टी करेंगे तो टी यहाँ पे टी पे पावर माइनस थ्री वाई और माइनस जेड, कंपेयर करिए दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, तो एक्स प्लस वाई तो जीरो हो गया, अच्छा यहाँ से कंपेयर करेंगे इससे, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको आ गया माइनस थ्री एक्स, इधर है माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन, सो एक्स का वैल्यू आ गया माइनस थ्री बाई टू, माइनस वन बाई थ्री, सॉरी माइनस वन बाई थ्री हो गया एक्स, और एक्स का वैल्यू ये रखेंगे यहाँ पे रखेंगे तो वाई, वाई का वैल्यू जो हो गया आप ये एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इक्वेट करेंगे तो वाई का वैल्यू वन बाई थ्री, इसको इसमें रख लीजिए क्वेश्चन में और सॉल्व करेंगे y का वैल्यू 1 बाई थ्री, और लास्ट में देखिए इससे इससे कंपेयर करेंगे, सो माइनस थ्री वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, और इस तरह थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, सो जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई, और जेड का वैल्यू हो जाएगा माइनस थ्री वाई माइनस थ्री, और y y का वैल्यू 1 बाई थ्री है माइनस वन, पुट कर लेंगे, अब आप फंक्शन बनाएंगे कि ये डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पावर एक्स, डेंसिटी पावर माइनस वन बाई थ्री, इंटेंसिटी पावर वन बाई थ्री, और फ्रीक्वेंसी पे पावर माइनस वन। अब आईटी क्वेश्चन देखेंगे,
आपको सब पे नहीं चाहिए, सबको नहीं रिलेट करना, सिर्फ आप इंटेंसिटी को देखा कीजिए. सो डिस्टेंस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी पावर 1/3, 1/3, ठीक है. और डिस्टेंस आईटी में लिखा हुआ था प्रोपोर्शनल टू एस पे पावर 1/n. जब दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, देखिए आपने ये सॉल्व किया है, ये आईडी में दिया हुआ था, जब कंपेयर करेंगे तो एन का वैल्यू आ गया 3, तो वही 3 निकालना था. आईटी एडवांस क्वेश्चन 3 का कंप्लीट करना. सो एन एन जो निकालना था, एन का वैल्यू 3. तो आज प्रैक्टिस करेंगे. सो एक लेक्चर अभी मैं स्टॉप करता हूं और एक लेक्चर और कंटिन्यू करूंगा. अभी मैं दूसरा लेक्चर पे रिकॉर्ड करता हूं और उसमें वाली क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन सिर्फ मुझे दिखाना है कि आईटी मेन में, एडवांस में, एम्स में, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप प्रैक्टिस करके इसको एक मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, एक मिनट में आप खुद बना सकें. और आज होमवर्क भी मिलेगा. आज होमवर्क है, मैं लेक्चर 1 मेरे पास है, लेक्चर 1 में 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, और वो सब बनेगा आपसे. जितना मैंने अभी पढ़ाया है यूनिट डायमेंशन में सारा बन जाएगा. सो अभी दूसरा वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं होमवर्क आपको दूंगा.